जो औरतें दो जोड़ी जायफल यहाँ रख देंगी वो माला माल हो जाएंगी। आपकी थाली में रखे पकवानों का स्वाद बढ़ाने वाला जायफल आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। और जो औरतें केवल दो जोड़ी जायफल इस जगह पर रख देंगी उनकी किस्मत चमक जाएंगी और वो माला माल हो जाएंगी। और वो अपनी जिंदगी में जो भी मनोकामना रखती हैं उन सबको स्वयं महादेव पूरा करेंगे। तो आखिर महिलाएं ऐसे कौन से खास उपाय कर सकती हैं सिर्फ दो जोड़ी जायफल से? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बताए हुए जायफल के वो अचूक उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि धर्म शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर तांत्रिक शास्त्र, जायफल एक विशेष महत्व रखता है। देवी दुर्गा को भेंट जायफल के रूप में ही चढ़ाई जाती है और जब तक देवी दुर्गा की ज्योत में जायफल नहीं चढ़ाया जाता तब तक उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। गुरु जी के अनुसार वैसे तो तांत्रिक लोग अपनी तंत्र साधना को सिद्ध करने के लिए भी जायफल का इस्तेमाल करते हैं। जायफल सकारात्मक शक्तियों से परिपूर्ण होता है। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके पति का व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपकी दुकान अच्छे से नहीं चल पा रही है, आपको बार बार नुकसान झेलना पड़ता है या फिर आपकी दुकान पर ग्राहक ज्यादा नहीं आते या फिर आपका व्यापार मंदा चल रहा है, या अगर आप नौकरी करते हैं और आपको नौकरी में फायदा नहीं हो रहा है, तो केवल दो जायफल अगर कुमकुम लगाकर आप अपने व्यापार स्थल में रख देते हैं तो आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, आपका व्यापार अच्छे से चलने लगेगा और ग्राहकों की आपकी दुकान के सामने लाइन लग जाएगी। इसके अलावा गुरु जी कहते हैं कि अगर आप तनाव से परेशान रहते हैं, नींद में सोते समय आपको अजीब सा डर लगता है या फिर डरावने सपने का सामना करना पड़ता है और आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज ने आपको घेर कर रखा है, तो रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे जायफल रख कर जरूर सोइएगा, इससे आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने और आपकी बात सुने, या फिर अगर आप किसी से अपनी मनचाही बात मनवाना चाहते हैं, तो जायफल को दूध में घिस कर उस पर तिलक लगा सकते हैं। ऐसा करने से आप जिस भी व्यक्ति के पास जाएंगे आपकी कही हुई बात को वो कभी नहीं टाल पाता। इसके अलावा गुरु जी ये भी कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कर्ज से परेशान हैं, आपका कर्ज खत्म ही नहीं हो रहा है और कमाई के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो अगर आप जायफल और काली हल्दी की माला बनाकर गौ माता को पहनाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे आपका कर्ज उतरने लगेगा, साथ ही आपको तरक्की के नए रास्ते भी मिलने लगेंगे। इसी के साथ गुरु जी का कहना ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में धन दौलत की कभी कमी ना हो और माता लक्ष्मी हमेशा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप अपनी जिंदगी मनचाही तरीके से जी सकते हैं, तो इसके लिए एक जायफल उसके छिलके यानी कि जावित्री सहित और उसे तांबे के लोटे में डाल और लोटे में जल दें। सोमवार बरगद के पेड़ की जड़ में भोलेनाथ और अपनी मनोकामना को कहें, और अगर आप लगातार 4 सोमवार तक ये करते हैं तो आपकी हर मनोकामना को खुद महादेव पूरा करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने एक साधारण से दिखने वाले जायफल की असाधारण सी शक्ति। तो अगर आपको गुरु जी के बताए हुए ये उपाय पसंद आए हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ना कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो।